वेलकम बैक टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर साइमा लेक्चर। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक दैट वाज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को, सेल वॉल को, इसके अलावा हमने साइटोप्लाज्म को पढ़ा था। आज से हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनेल्स को। सेल के अंदर ऐसी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स या ऐसी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। आपके सेल में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, वो इन्हीं ऑर्गेनेल्स की वजह से परफॉर्म होते हैं। अब ऑर्गेनेल्स आपके पास दो तरह की होती है। सबसे पहले आपके पास एक ऑर्गेनेल्स होती है जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, एक ऑर्गेनेल्स होती है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती है वो आपके पास सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती। डिस्कस करते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हमारे पास क्या है? नेटवर्क ऑफ लॉन्ग फ्लैटेंड सैक्स, सिस्टर्नी, टिब्यूल्स और वेसिकल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आपके पास क्या है? फ्लैटेंड सैक्स बने होते हैं। फ्लैटेंड सैक्स किस तरह डायग्राम पे आ जाए तो ये आपके पास क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के साथ ही आपके पास यहाँ पर फ्लैटेंड सैक्स या ऐसी बॉक्स लाइक शेप बनी होती है जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसके बाद यहाँ पे टिब्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में वेसिकल्स भी प्रेजेंट होती है। तो ये जो आपके पास चैनल ऑफ नेटवर्क है इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर आपके पास सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस को जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो हम इसके फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। न्यूक्लियस में स्मॉल पोर्स होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो कवर होता है विद डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एक मेम्ब्रेन तो इसको पूरा पूरा कवर करती है, लेकिन जो दूसरी मेम्ब्रेन आपके पास होती है वो यहाँ पर एक्सटेंड होती है और यहाँ पर क्या बनाती है? चैनल्स बनाती है। इसके अलावा आपके पास इस स्पेस के अंदर जो ल्यूमेन होता है या जो ये स्पेस है इसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। ये जो है न्यूक्लियर से ही यहाँ पर ये चैनल्स जो है वो न्यूक्लियर से ही एक्सटेंड हुए हैं, इसलिए हम ये जो स्पेस है इसको हम क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब यहाँ पर ये आपके पास आ जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और ये आगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यहाँ पर ये जो आपके पास फ्लैटेंड सैक्स है या ये जो बॉक्स शेप में ये आपके पास फ्लैटेंड सैक्स बने हुए हैं इसको हम कहते हैं सिस्टर्न। अगर हम एक सैक की या एक फ्लैटेंड सैक की बात करेंगे तो वो हम उसको सिस्टर्ना कहेंगे और डबल जो प्लूरल इसका है वो क्या है? सिस्टर्न। इसके अलावा आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ यहाँ पर वेसिकल्स भी प्रेजेंट होती है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वहां पर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे आपके पास राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। अब हम इसकी मेम्ब्रेन की बात करें तो ये जो ऑर्गेनेली है आपके पास ये होती है मेम्ब्रेन बाउंडेड, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, तो ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होगी और ये प्रेजेंट होती है यूकैरियोट्स के अंदर। इसके बाद इसकी मेम्ब्रेन के बारे में बात करें तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? लिपिड बाइलेयर होती है। मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया था, उसमें मैंने उसकी जो मेम्ब्रेन है उसकी कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। सेम यहाँ पर भी जो मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनती है। ऊपर वाली लेयर भी क्या होती है? फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनती है और नीचे एक और लेयर होती है वो भी फॉस्फोलिपिड से बनती है और ये एक बाइलेयर बना देती है। इसके अंदर भी हमारे पास प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बात करें तो यहाँ पर एक प्रोटीन होगी राइबोफोरिन। राइबोफोरिन के साथ हमारे पास क्या अटैच होंगे? राइबोसोम। अब ये राइबोफोरिन है इसे हम ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं क्योंकि राइबोफोरिन के साथ क्या अटैच होगा? कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसके साथ राइबोसोम का लार्जर यूनिट, जो लार्जर सब यूनिट है वो प्रेजेंट होगा। अब ये जो लार्जर सब यूनिट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये किसके साथ अटैच है? कार्बोहाइड्रेट के साथ। राइबोसोम को जब हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम उसके फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे। मेनली जो राइबोसोम का फंक्शन होता है वो क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पर भी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसमें जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। अब वो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करेंगे? तो यहाँ पर जो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट है उसके दरमियान में आपके पास अटैच होगा मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है कि वो कौन सी प्रोटीन बनाएगी। सेम यहाँ पर जब हमारे पास प्रोटीन बन जाएगी तो ये प्रोटीन यहाँ से ट्रांसफर होगी थ्रू ट्रांसलोकॉन प्रोटीन, ठीक है। ट्रांसलोकॉन की मदद से यहाँ पर ये प्रोटीन क्या होगी? ट्रांसफर होगी। अब ये यहाँ से ये ट्रांसफर होगी तो ये ट्रांसफर होगी यहाँ पे स्पेस में आ जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की स्पेस में आ जाएगी और वहां से वेसिकल की फॉर्म में आगे सेल में ट्रांसफर होगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की वजह दो टाइप्स होती हैं। एक आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है और एक आपके पास आ जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में एक बेसिक सा डिफरेंस आता है और वो राइबोसोम का आता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर आपके पास राइबोसोम अटैच होते हैं जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होते।
फंक्शन पे आ जाए तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। देन जो आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनका फंक्शन क्या है कि वो लिपिड की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, लिपिड को सिंथेसाइज करते हैं, लिपिड बनाते हैं। अब हम आ जाते हैं कि किस तरह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड्स को बनाते हैं। यहां पर आ जाते हैं आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पर जब हमने मेम्ब्रेन से प्रोटीन बनी, मेम्ब्रेन से प्रोटीन कैसे बनी उसको मैंने वहां स्ट्रक्चर में आपके साथ डिस्कस कर लिया था। यहां पर प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन आएगी यहां पर चैनल की स्पेस में, जो आपके पास प्लेटिन सेट्स हैं उनकी स्पेस के अंदर प्रोटीन आएगी। प्रोटीन यहां पर अटैच होगी कार्बोहाइड्रेट के साथ। जब वो कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये यहां पे वेसिकल में वेसल्स बनकर निकल जाएगी और इस वेसल्स के ऊपर प्रोटीन की कोटिंग होगी। यहां पर ये जो कोटिंग है ये इसलिए हुई है ताकि ये इसको एक पाथ मिल सके और ये गोल्जी एपरेटिस की तरफ मूव कर सके। ये जो प्रोटीन है ये मूव करेगी गोल्जी एपरेटिस में और यहाँ पे गोल्जी एपरेटिस की तरफ मूव करेगी और गोल्जी एपरेटिस बेसिकली पैकेजिंग का काम करती है, ठीक है। गोल्जी एपरेटिस क्या करेगी कि ये जो भी वेसिकल है इसमें अगर कोई चेंजेस करनी है तो वो चेंजेस करेंगी और इसको ट्रांसफर कर लेगी आगे, और आगे जाके ये प्रोटीन जो है वो प्रिपेयर्ड हो जाएगी। और ये प्रिपेयर्ड प्रोटीन जो है या तो ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में जाके उसका पार्ट बन जाएगी या तो ये लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाएगी। लाइसोसोम ऑर्गेनेली है, इसको हम डिस्कस करेंगे लेटर इन लेक्चर्स। इसके बाद हम या ये सिक्रीटी वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। सिक्रीटी वेसिकल्स क्या होती हैं, ये वेसिकल्स एक्सोसाइटोसिस की मदद से सेल से बाहर मूव कर जाएगी। तो इस तरह से जो भी प्रोटीन है वो तीन तरह के फंक्शन करेगी, या तो वो सेल मेम्ब्रेन में जाके प्रोटीन बना देगी, या तो लाइसोसोम बन जाएगी, या फिर बाहर चली जाएगी एक्सोसाइटोसिस की मदद से। अब हम एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो आपके पास जो पैनक्रियाटिक सेल्स होते हैं उनमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाती है, ठीक है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर आपकी डाइजेशन में मदद करते हैं। इसके बाद प्लाज्मा सेल है वो क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल में मौजूद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज क्या होती है, प्रोटीन्स होती है, करती है आपके सेल को आइडेंटिफाई करवाने में मदद करती है। इसके बाद आ जाते हैं नर्व सेल। तो नर्व सेल जो है वो उसमें मौजूद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्मेशन करता है और न्यूरोट्रांसमीटर मैसेज को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। अब आ जाते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है बच्चे, जहां पर राइबोसोम की प्रेजेंस नहीं होगी। अगर राइबोसोम नहीं होंगे तो मींस ये प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं करेंगे, तो ये क्या करेंगे, लिपिड सिंथेसिस, ये लिपिड की फॉर्मेशन करेंगे। लिपिड में आपके पास ये क्या बनाएंगे, या तो ये फैटी एसिड बनाएंगे या फॉस्फोलिपिड बनाएगा या ये कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में लिपिड की फॉर्मेशन होती है। लिपिड की फॉर्मेशन कैसे होती है कि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है या तो ये फैटी एसिड बनाएगा या तो ये फॉस्फोलिपिड्स में कन्वर्ट होगा या ये कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, ठीक है। अब जो लिपिड है ये तीनों क्या है, आपके पास लिपिड की फॉर्म्स है। लिपिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड में जो कि क्या करेगा, एटीपी जनरेट करेगा। इसके बाद या तो लिपिड फॉस्फोलिपिड में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि सेल मेम्ब्रेन पर जाके पार्ट बन जाएगा। इसके अलावा आ जाते हैं कोलेस्ट्रॉल पे। तो ये जो लिपिड है ये कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये लिपिड कोलेस्ट्रॉल बना लेता है, कोलेस्ट्रॉल है ये जाके सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बनेगा। सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन होता है इसको डिटेल के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने डिस्कस किया था कि ये फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है। फ्लूइडिटी को कैसे कंट्रोल करता है इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम बाइल एसिड की। कोलेस्ट्रॉल जो है वो बाइल एसिड बनाता है जो कि लिवर में जाके इमल्सिफिकेशन का काम करता है। इमल्सिफिकेशन क्या है आपके पास, इमल्सिफिकेशन जब फैट जो है वो वाटर में डिजोल्व होने के काबिल हो जाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो ये बाइल एसिड लिवर के अंदर फैट को क्या करवाता है, डिजोल्व कराता है। इसके बाद आपके पास आ जाता है सेक्स हार्मोन और स्टेरॉइड हार्मोन की प्रोडक्शन में कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद एग्जांपल पे आ जाएं, यहाँ पर जो टेस्टिस है, टेस्टिस की जो सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होगा वो क्या प्रोडक्शन करेंगे, उनमें टेस्टेरॉन की प्रोडक्शन होगी। टेस्टेरॉन क्या है, टेस्टेरॉन मेल सेक्स हार्मोन है। इसके बाद ओवरीज की बात करें तो ओवरीज क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन जो है वो रिलीज करती है। एस्ट्रोजन को जो फीमेल सेक्स हार्मोन है इसको रिलीज करेंगी और ये कहां से होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो वो स्टेरॉइड हार्मोन की प्रोडक्शन करता है। अदर फंक्शन में आ जाए तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में आपके पास कैल्शियम की स्टोरेज होती है, ठीक है। मसल कॉन्ट्रेक्शन में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कि ऐसी कौन सी टाइप है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की जो कि मसल सेल में ज्यादा प्रेजेंट होती है, तो आप कहेंगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ऐसी टाइप है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की जो कि मसल सेल में ज्यादा प्रेजेंट होती है। अब इसकी वजह क्या है,
तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मसल में ज्यादा इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि जो है वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में मदद दे। सेम इसी तरह कैल्शियम जो है वो स्टोर होता है मसल सेल के अंदर, जब कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर होती है तो कैल्शियम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हो जाता है, और जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन चाहिए होती है तो कैल्शियम दोबारा से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आ जाता है। इसके बाद जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत काम आते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, जब भी कोई बंदा कोई ड्रग या पॉइजन लेता है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से उसमें OH ग्रुप ऐड हो जाता है। OH ग्रुप ऐड होने के बाद वो वाटर सॉल्युबल हो जाता है और वो इजिली एक्सक्रीट हो जाता है आपकी बॉडी से। इस जो प्रोसेस है इसका नाम क्या है, बायोट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें किसी भी पॉइजन के साथ OH ग्रुप ऐड हो जाता है और वो इजिली आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा ये जो दोनों टाइप है, या ओवरऑल हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, क्योंकि ये ओवरऑल सेल में एक्सटेंड हुई होती है। आपके पास कोई भी सेल है तो ये न्यूक्लियस से शुरू होती है, ठीक है, न्यूक्लियस से यहाँ पर ये जो नेटवर्क है ये न्यूक्लियस से शुरू होता है और ये एंड होता है सेल मेम्ब्रेन पे, इसके साथ क्या अटैच होती है सेल मेम्ब्रेन, तो ये ओवरऑल सेल में एक्सटेंड हुआ होता है, तो ये क्या करता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपके सेल को। ये था आपके पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ओवरऑल आपके सिलेबस के मुताबिक आपको पढ़ाया गया है। यहाँ पर आपकी एक कंफ्यूजन दूर करनी थी कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरफ भागते हैं, तो ऐसा आप ना करें, क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरफ भागते हैं तो आपके सिलेबस में जो कॉन्टेंट्स होते हैं या आपके जो सिलेबस के अंदर टॉपिक्स हैं आप उनको भूल जाते हैं। तो आप क्या किया करें, अपनी बुक को कवर किया करें, अपने बुक के कंसेप्ट को बहुत क्लियरली क्लियर किया करें, एक एक लाइन को समझा करें। इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अगर केपी के स्टूडेंट्स हैं तो आप फेडरल की बुक आपके लिए अच्छी है, अगर आप फेडरल के हैं तो केपी में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती हैं जो फेडरल की बुक में नहीं लिखी होती। आप जो है अपने सिलेबस के अंदर रहें, आप जितना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के पीछे भागेंगे बच्चे उतना आप अपना जो मेन सिलेबस है उसको भूलते जाएंगे। तो जहां तक पेपर की बात है उसके लिए आप अपनी बुक को फॉलो करें, आप अपनी बुक के मुताबिक पढ़ें, आप अपनी बुक की हर लाइन को कंसेप्टली समझें, आप अपनी बुक के जो टॉपिक्स हैं उनको हेड एंड वाइज अपने पेपर में लिखने की कोशिश करें। आप पेपर में खुद किसी नोट्स को फॉलो नहीं किया करें, अपने नोट्स बनाया करें, अपने जो टॉपिक है उसमें हेडिंग्स बनाया करें और जो आपकी बुक का लिखा हुआ है आप उसको ही अपने पेपर में लिखें। बाकी जो आपके टेस्ट हैं केएमयू कैट, एमडी कैट, नम्स, इनके लिए आपको अगर केपी के स्टूडेंट्स हैं तो फेडरल की पढ़नी पड़ेगी, पंजाब की तरफ आप ना भागें, ठीक है। अगर आप फेडरल के हैं तो आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए भी तो वो केपी की बुक से आपको थोड़ी बहुत मिल जाएगी, तो आपको एक्स्ट्रा भागने की जरूरत नहीं है, अपने सिलेबस पे रहें, उसको समझें। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं अभी फिलहाल तो आप अपनी बुक तक रहें, बुक के कंसेप्ट पढ़ें। इसके अलावा आप जो लेक्चर लेते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक मैं आपको जो लेक्चर देती हूँ उसमें मैं फेडरल की बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करती हूँ, लाइक केपी की भी ऐड होती है, तो ये लेक्चर्स होते हैं वो केपी और फेडरल दोनों को मिला के मैं देती हूँ। तो सेम इसी तरह आप भी अपनी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको अपनी बुक में स्टीकी नोट्स पे लिखें, आप पेपर्स पे अपनी बुक वाला लिखें, और जब आप अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं लाइक केएमयू कैट, एमडी कैट और नम्स, तो उसमें आप उसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को पढ़ें, ज्यादा पंजाब को पढ़ने की या बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। जितना आप सिलेबस के अंदर रहते हैं ना बच्चे आप उतना अच्छा कवर कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं और बहुत मेजोरिटी में बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, ठीक है, मिस्टेक से बचना है। जब आप सिलेबस से बाहर जाते हैं ना तो आपको अपना सिलेबस भूल जाता है, और आना टेस्ट का आपके सिलेबस के अंदर से होना होता है, तो आप जो है वो स्मार्ट वर्क करें, नॉर्मल रूटीन में एक्स्ट्रा ना बने, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि एक्स्ट्रा पढ़ने के सोचते हैं कि हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी तो हमें सब कुछ पता होगा, जो टेस्ट आएगा वो आपके अपने सिलेबस से आएगा। सो काइंडली अपने सिलेबस को पढ़ा करें। यहां तक हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।